नेम कैप्टन? माय नेम इज आरव शाह। आरव शाह, मुझे ये बताइए कि फाइनल मैच बहुत अच्छा खेला गया और आप 1-0 से जीते, चूँकि टाइमिंग बहुत कम था, 10-5 खेला गया। अगर ये मैच 45-45 का होता तो क्या होता था? अगर ये मैच 45-45 का भी होता तो भी हम लोग ना होप लूज कर दे नहीं थे, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टूर्नामेंट है नहीं। पिछले बहुत साल की मेहनत कर करके थोड़ा आगे आगे आके आज फाइनल तक आए, और फाइनल में सिर्फ खेला नहीं, जीता भी है। वेरी गुड। और ये सिर्फ मेरे अकेले की ट्रॉफी नहीं, भले मैं अभी पकड़ रहा हूँ, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, बट इधर जितने भी लोग खड़े ना, हर एक 18 के 18 लोग, सब के सब उन्होंने उतनी मेहनत की जितनी मैंने की है। वेरी गुड। अभी नेक्स्ट ये है कि आप डिवीजन को जाएंगे, तो डिवीजन को आपका कैसा टारगेट रहेगा, क्या कैसा खेलेंगे आप? सर, टारगेट तो हमेशा सिंपल ही है, जो भी सामने आ रहा है किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है सर। Correct. सब अपोनेंट्स है, सब उतना ही अच्छा खेल सकते हैं सर। Very किसी की बातों में आना नहीं है, हमको सिर्फ गेम पे फोकस रखे, जैसा आज हमने अच्छे से खेला फाइनल्स, वैसा ही डिविजनल में भी जाके हम करेंगे। तो अभी हम यही चाहेंगे कि यहाँ पे जो जलगांव में एक ही NIS फुटबॉल कोच है, मिस्टर अब्दुल मोहसिन, उनके नेतृत्व में आप तीनों टीम पोद्दार की अगर यहाँ लेती है, कम्बाइंड प्रैक्टिस करती है, तो आपको हम जलगांव डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन ये ग्राउंड अवेलेबल करा देता है फ्री ऑफ चार्ज। आप यहाँ आइए और इनसे पूरी की पूरी ट्रेनिंग हासिल कीजिए, ताकि आप अच्छे ढंग से खेल सकेंगे। थैंक यू सर, और ये जो भी मैनेजमेंट है इनको भी बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि ये ना अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ ही अगर रहेंगी नहीं तो फिर जीतेंगे कैसे, जीतने का मतलब ही कैसे रहेगा। मैं खुद अब्दुल मोहसिन सर के कोचिंग में सीखा हूँ। अच्छा। उसका जो भी बेनिफिट्स और फायदे ना, वो भी टीम में दिख रहे हैं सर। वेरी गुड। और उत्साह बताने की जरूरत नहीं सर, वो तो आपने देख लिया मैच के हाथ में। तो मैं छाया मैम, बोरसे मैम को फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कंबाइंड प्रैक्टिस के लिए आप जरूर हमारे यहाँ पे भेजिए लड़कों और लड़कियों को, और आप विनर होके आइए डिवीजन में। और जैसा भी आपने देखे कि 14 बॉयज एंड गर्ल्स में हमारी दोनों बच्चे, लड़का और लड़की, भुसाल के बैठे, हम चाहते कि जलगांव और वो भी खास करके पोद्दार का अगर लड़का लड़की जाते हैं तो हमको और ज़्यादा खुशी होगी। ऑल द बेस्ट पोद्दार। थैंक यू सर।